क्या टूटे हुए अनुज को संभाल पाएगी अनुपमा या फिर टूट जाएगा उनका रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अब आपको आगे देखने को मिलेगा कि किस तरह से अनुपमा जो है वो खुद भी अनुज की हालत को देखकर टूटने वाली है, क्योंकि जब से छोटी अनु गई है तब से अनुज पागल हो गया है। कभी उसकी फोटो देखता रहता है तो कभी उसके सामान के साथ खेलता रहता है। तो वही दूसरी तरफ माया जो है अब भी छोटी अनु को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच में अनुज की जो हालत है उससे अनुपमा उसको कैसे बाहर निकालेगी या फिर ये दोनों ही अलग हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं सीरियल के आने वाले ट्रैक में क्या क्या होने वाला है। वह सबसे पहले तो आप देखेंगे किस तरह से छोटी अनु जो है अनुज और अनुपमा दोनों से कॉल पर बात करती है। जब वो वीडियो कॉल करती है तो सबके सब बहुत खुश होते हैं। आप देखेंगे पूरा परिवार बैठकर साथ में अनुज अनुपमा के छोटे अनु से बात करता है। आप छोटी अनु को देखेंगे, वो बोलती है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, आप लोग मेरी टेंशन मत लीजिए और आप लोग ऐसी शक्ल भी मत बनाइए। तो वहीं आप ये भी देखेंगे किस तरह से अनुपमा जो है बहुत ज्यादा परेशान नजर आने वाली है, क्योंकि अनुज की जो हालत है वो किसी से देखी नहीं जा रही। आप देखेंगे जैसे ही छोटी अनु अनुज का कॉल काटेगी तो वो पागलों की तरह इधर से उधर घूमने लगता है। वो कहता है मैं छोटी अनु के कॉल्स का ऐसे ही स्क्रीनशॉट बना बना के रख लूंगा ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, मैं यही सब देख के सब्र कर सकूं। इतना ही नहीं, आगे आप देखेंगे किस तरह से अनुज जो है पागलों की तरह छोटी अनु के रूम में जाता है और उसके खिलौनों से खेल रहा होता है। वहीं पर अंकुश और बरखा जाते हैं जहां पर उन लोगों को अनुज की हालत देखी नहीं जाती। अंकुश जो है वो अनुज से कहता है कि चल ये सब ड्रामा बंद कर, अब ऑफिस चल, वहां जाके तेरा मन जो है थोड़ा सा बहल जाएगा। लेकिन अनुज उन दोनों को ही वहां से जाने के लिए कह देता है। अब फिर से आप देखेंगे थोड़ी देर बाद अनुज जो है अपने हाथ में मोबाइल लेके बैठा होता है जिसमें वो छोटी अनु की वीडियोस देख रहा होता है। फिर आप देखेंगे अनुपमा जब वहाँ पर आती है तो अनुपमा अनुज की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तो सबका यही होता है कि भाई किसी भी तरह से अनुज की हालत जो है ठीक हो जाए। तो वही दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा किस तरह से माया जो है अब भी छोटी अनु को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। माया जो है छोटी अनु से इतना तक कह देती है कि मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप अपने मम्मी पापा को भूल जाओगी। इस बात पर छोटी अनु कहती है कि नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को कभी नहीं भूलना चाहती। यानी कि इससे ये तो मतलब साफ है कि छोटी अनु एक दिन लौट कर जरूर वापस आएगी। लेकिन इस बीच में क्या अनुज की हालत होने वाली है ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सीरियल के आने वाले ट्रैक में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से अनुज जो है वो पागलों की तरह अनुपमा से बात नहीं करता। अनुपमा बार बार उसके सामने जाती है लेकिन अनुज जो है वो उसे इग्नोर कर देता है। बार बार अनुपमा बात करने की कोशिश करती है लेकिन अनुज उसकी एक भी नहीं सुन रहा। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अनुज का टूटा हुआ दिल क्या अनुपमा संभाल पाएगी या इस बीच खुद का रिश्ता ही खत्म कर देगी। पर आपका क्या कहना है सीरियल के आने वाले ट्रैक को लेकर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लें।